अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन फ्रॉम apniasp.com और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी कितनी हसीने के बारे में, जिसमें नजर आएंगे आपको सज्जल अली, फिरोज खान और अली खान और एक बच्चा है मेरे ख्याल से, शायद उसका नाम जिब्राइल है। बच्चे का नाम भी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उस बच्चे का इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, मूवी के रिव्यूज यूजली रिकॉर्ड करके देता था लेकिन अब लाइव का फीचर आया तो आई थिंक आई शुड यूटिलाइज दिस बिकॉज उसके बाद एडिटिंग की ख्वारी से मैं बच जाऊंगा, लेकिन अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो मैं उसको अंडू नहीं कर सकता। तो बहरहाल हम मूवी की बात करते हैं, जिंदगी कितनी हसीन है। कास्ट का मैंने आपको बता दिया, कल रात को ये मूवी मैंने प्रीमियर पर देखी है तो सोचा कि थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को रिव्यू दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी का जो नाम रखा गया है जिंदगी कितनी हसीन है वो बहुत ही इनअप्रोप्राइट है। मूवी से रिलेटेड नाम रखना चाहिए था, इस मूवी का नाम होना चाहिए था जिंदगी कितनी रोतू है, क्योंकि 95% ऑफ द मूवी इज़ फुल ऑफ इमोशंस और इसमें रोना धोना लड़ाई झगड़ा है। मुश्किल से 5% इसमें हैप्पी मोमेंट्स होंगे, तो इसका नाम जिंदगी कितनी हसीन है क्यों रखा है, जिंदगी कितनी रोतू है होता तो ज़्यादा बेहतर होता, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जब ये मूवी का ट्रेलर मैंने देखा और मैंने सोचा कि इस मूवी को जाके देखा जाए तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बहुत कम थी, लेकिन मूवी मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी और मेरी एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ थी तो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी। अच्छा, मूवी के स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि मूवी है किस बारे में। एक यंग कपल है जिनकी थोड़ा अर्सा पहले शादी हुई है, कुछ साल पहले, और उनका एक छोटा बच्चा है। जो हस्बैंड है वो एक बहुत बड़ा मूवी राइटर बनना चाहता है और सारा दिन अपनी स्क्रिप्ट पर फोकस करता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, ऑफिस से लेट आता है, इस वजह से उसकी वाइफ से लड़ाई होती रहती है। अक्सर वाइफ उसको छोड़ के चली जाती है, फिर मना के वो ले आता है, फिर चली जाती है, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। बीच में उनका बच्चा जो है वो पिस रहा होता है कि मैं बाप के साथ रहूं या माँ के साथ रहूं, वो दोनों के साथ रहना चाहता है लेकिन वो मजबूर होता है, कभी उसको बाप के साथ रहना पड़ता है, कभी उसको माँ के साथ रहना पड़ता है। अब इस मूवी में जो फिरोज हैं वो सक्सेसफुल राइटर बन सकता है नहीं बन सकता, दोनों साथ रहेंगे, ब्रेकअप हो जाएगा परमानेंटली, बच्चे का क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी जिंदगी कितनी हसीन है। अच्छा जी, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सज्जल हो, चाहे फिरोज हो, चाहे वो बच्चा हो, सब अली खान हो, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इतने ड्रामास देखता नहीं हूँ तो मैंने पहले कभी उन लोगों की एक्टिंग देखी नहीं थी, तो एक्टिंग बहुत अच्छी है। और एक्टिंग इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच विल सेव द मूवी, बिकॉज प्ले जो इसका स्क्रीन प्ले है वो कहीं कहीं पे वीक है तो उसको एक्टिंग कवर कर देती है, लेकिन कुछ पार्ट्स में एक्टिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाती है। सज्जल की अगर आप डायलॉग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा गुस्सा जितना होना चाहिए, थोड़ा सा पोलाइट होता तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। अच्छा, उसके अलावा जहाँ जहाँ कॉमेडी है वहाँ वहाँ वो मूवी नीचे चली जाती है, क्योंकि इसमें शफकत चीमा के कुछ सीन्स हैं और एक दूसरे भाई हैं उनके भी कुछ सीन्स हैं, तो वो जो कॉमेडी करने की कोशिश की गई है वो एक तरीके से ओवर कॉमेडी है, तो जहाँ जहाँ कॉमेडी करते हैं शायद ही आपको मुश्किल से हंसी आएगी, तो वो ज़बरदस्ती के कॉमेडी एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए डाले हुए हैं, तो मैं क्या कहूँ। खैर, जिस तरह एक कॉमेडी मूवी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी आपको आती है, जो फुली कॉमेडी मसाला मूवी कहलाती है, उसमें आप कहते हैं रोलर कोस्टर ऑफ लाफ्टर, दिस मूवी इज़ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, बिकॉज बहुत इमोशनल मूवी है। फर्स्ट हाफ इज़ लिटिल वीक बट सेकेंड हाफ में लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा, सेकेंड हाफ में मूवी एक ग्रिप पकड़ लेती है नहीं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी मूवी में लोगों को रोते हुए देखा है और मैं खुद भी थोड़ा सा रोने जैसा हो गया था, फिर मैं ज़रा दोस्तों से बातें करके मैंने इधर उधर बयान किया, क्योंकि वाकई में जब आप सेकेंड हाफ और एंडिंग देख रहे होते हो तो जो स्टेज मूवी में दिखाया है, मतलब माँ बाप और बीच में बच्चा पिस रहा है और दोनों इमोशनल लड़ाई दोस्ती सब कुछ, तो वो बड़ा इमोशनल हो जाता है और मैं भी हो सकता है कि आप भी रो पड़े, तो टिश्यू लेके जाइएगा। अच्छा, अब आपको एक बात ये भी बताऊँ कि जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद, उनकी लास्ट मूवी जो थी वो थी माहे मीर, जो कि सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, लेकिन ये मूवी अच्छी है और एक्टिंग का मैंने आपको बताया कि एक्टिंग इसमें सबकी अच्छी है अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी पार्ट। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस मूवी की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है और एक्शन भी सिंघम से कम नहीं है, दबंग से कम नहीं है। आप जब देखेंगे तो आप खुद इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि एक्शन बहुत अच्छा है, जिसने भी किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो भी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं कि एक किक पड़ती है और स्लो मोशन में जाके दूर बंदा गिरता है, जैसे अजय देवगन उठा के फेंकता है सिंघम में, दबंग में सलमान खान उठा के फेंकता है, इसी तरह के लेवल का एक्शन इस मूवी में है। उसके अलावा म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो गाने भी इस मूवी के अच्छे हैं, दो गाने सोच बैंड के हैं वो अच्छे हैं, उसके अलावा उरण कटोला बैंड का गाना है,
वो भी अच्छा है। तो म्यूजिक जो है वो मूवी की फील के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ओवरऑल अगर हम इस मूवी की बात करें तो दिस इज नॉट अ बैड मूवी। एक दफ़ा आप ज़रूर देखें इस मूवी को, आपको मज़ा आएगा। सेकेंड हाफ में आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। इस मूवी को मैं दूंगा 3 stars out of 5। थैंक यू।